विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर अटल युवा संकल्प यात्रा, बाइक रैली और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, क्योंकि 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो 75 बाइक रैली का आयोजन प्रत्येक विधानसभा स्तर पर हुआ है, जिसमें उत्तर विधानसभा के संयोजक अक्षय जैन जी के नेतृत्व में और मनीष गौतम जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति के समक्ष आप देख रहे होंगे 75 बाइक कहा था, 300 बाइक आपके सामने आ चुकी हैं। बस यही जोश और यही उत्साह युवाओं में है और यह उत्साह निश्चित तौर पर ईवीएम में दिखेगा जब कमल खिलेगा। प्रत्येक ईवीएम में जब कमल खिलेगा तो ये उत्साह का वही होगा जो युवाओं के अंदर दिखाई दे रहा है। ये युवा आज बाइक रैली के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ होने वाले 30 तारीख को युवा सम्मेलन आगरा में पचकुइयाँ में, उसके लिए भी एक ये आमंत्रण यात्रा के रूप में हम ये निकाल रहे हैं। और आज हम अटल जी को उनके जन्म जयंती के अवसर पर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा मानक अध्यक्ष उनके चरणों में शीश झुकाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज परम श्रद्धे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के पूर्व प्रधानमंत्री प्रखर वक्ता उनकी जन्म जयंती है और उस पर बाइक रैली चारों विधानसभाओं में हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और यहां पर उत्तर विधानसभा में सेंट्रल पार्क से पहले हमने श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल जी को दी, उसके बाद परम श्रद्धे अटल जी को दी और प्रत्येक बूथ में भी आज शाम को गोष्ठी का आयोजन है जिसमें माननीय अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। देखिए एक ये सारे चारों विधानसभाओं में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो अंतिम छोर है तो वो प्रत्येक मंडल को टच करता हुआ, प्रत्येक विधानसभाओं को मुख्य मार्गों को टच करता हुआ समापन हुआ। इस प्रकार पूरी योजना प्रत्येक विधानसभा की बनी है। बस मंडल जी के बराबर आप पूछना था। आज अटल जी की जयंती है। प्रेरणा केंद्र आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन और जिनसे अटल जी ने प्रेरणा ली, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थली पर यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अटल जी को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है और स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको भी याद किया है। युवा मोर्चा बहुत बधाई का पात्र है क्योंकि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा अगर देखने को कहीं मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलते हैं। हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, निश्चित रूप से समाज को अच्छा संदेश देने का काम और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का काम युवा मोर्चा कर रहा है। पूरा युवा मोर्चा बधाई का पात्र। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।